क्या घूंघट भाई, आज तो बड़ी सजी धजी दिख रही हो, चमक चौदस लग रही है बिल्कुल। सजे धजे ना है भैया, आज दिल बहुत दुखी है हमारा, हम कब बहुत दुखी है। काय का होगा? अरे एक और रावण ना जलो भैया, पूरा मेला ऐसे ही निकल गया, कतई खबर है वो पानी गिरे वो तो बात नहीं जरे। अरे बात बनाए भैया पानी गिरने की, तो फिर का है? बात जो है कि हमारे भोपाल के जितने रावण आते ना, हाँ वे सब इकट्ठे है गए और सबने एक ही बात करी, आंदोलन शुरू कर दी। काय 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 को आंदोलन? अरे वो कौन सी फिल्म को टीजर आओबा में कते रावण को भैरूपिया आएगा वो। अच्छा। तो रावण ने जे कही जब भैरूपिया पहले मार के जला दो तो जलंगे, चाहे भले ही हमें शरीर में कितो कष्ट भोगने पड़े, सब आईसीयू में पड़े। अच्छा वो आदि पुरुष फिल्म आई है, अब हमें रावण कैसे दिखा दो भैया, वो तो आतंकवादी लग रहा है। भैया कतई आतंकवादी की बात कर रहे, ऐसा लग रहा है वो गौरी खाना हुआ तो ना हमारे देश लूटन ताई बेसो दिख रहा हूँ। दूसरा बाम है वो पुष्पक विमान बाको कैसे अच्छो आतो भाई, चौंच से वो दिखा दो। अरे भैया चमगादड़, चमगादड़ बैठ के आओ, वो लल्लन भैया को मोड़ा बता रहा हूँ मिलने कि वो फिल्म थी एक कहीं की अंग्रेज ने की बामे हॉलीवुड में बैटमैन जैसी दिख रही बाकी चमगादड़। बस इनकी नकल करते रहते हैं और मैं बता रहा हूँ जिन्हें का और कोई विषय नहीं मिलतू। ए भैया हमें तो रावण की चिंता, अरे उनने कसम तो खा ले आंदोलन करते, अब की एदारी ना बाइकाट किसने जनता बाद में कर रही है, एदारी तो बाइकाट रावण ने विद्वान आदमी हजारों साल बाद बेचारन को अपनी असमत के लिए बतावो आंदोलन में उतरने पड़ रहा हो कतई है, ज्ञानी रावण की ऐसी तैसी करके रख दी, बाकी ना भी हो ना मिल रही है, फोटो देखे तुमने बाकी? हमने देखे वहां ना भी हो नहीं है, ना भी कैसे मरे वो बताओ। और केसो रावण है भैया है, ज्ञानी आदमी ना जाकी चोटी है ना भाई मुकुट लगाओ है कतई बेब छिछोरा छपरी जैसे ऐसे बाल काट के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम मैंने ऐसा दिखा दो हमें, रामायण आई थी तब क्या तो सुन सपाट हो जाते भैया, आदमी देखते हो रामायण अपने गांव की गलियन में ऐसा छपरी घूमे तो कहते कुत्ता पीछे पड़ गया है, हाँ। फिल्म में उठा के दे दो, कहते 500 करोड़ की फिल्म है, बताओ भाई ठूका ना हम तो। अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है VFX का, तो वहां में बाहर के आगा तो कछु बनाओगे भैया, इससे अच्छा रामानंद सागर की रामायण आती है टीवी में देखाते, कतई भी अगरबत्ती लेके बैठते और वो मोड़ा है वो का है जो जामे राम बना हो। ए भैया वो जो बाहुबली पिक्चर आई थी है, बाहुबली में आते ए भैया जब टॉकीज में देखने गए आते हम हैं बस, हाँ। शिवलिंग कंधा पे धर के लाओ भैया, जे सीटी बजी जे सीटी बजी, अब वो मोड़ा के दिमाग खराब है गए। अरे मट्टी कुटवा रहा हो अपनी मट्टी कुटवा रहा, पता नहीं है तो का है, मैंने कभी देखे मर्यादा पुरुषोत्तम राम रामायण पढ़ी मैंने कभी, बामे ऐसे दिखा रहे हैं और कूदत फूदत जूता पहन के सिक्स एप दिखाए के वो कते जंगल में वो रोमांच करत फिर रहा, हमारी सीता माता कितनी मर्यादा में रहती है ऐसे हमारी तरह घूंघट डाल के हैं। नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो बॉलीवुड बारे जिन्हें का कोई विषय नहीं मिलते काहे मरवे फिर रहे हैं ये है? जो मजाक उड़ा भी की हर चीज नहीं होती, धर्म को मजाक उड़ा रहे हो, कहते हिंदू धर्म को मजाक उड़ाओ और हिंदू अन्य धर्म उड़ाओ, हमें तो जब आत को कष्ट है, वो कौन है वो डायरेक्टर वो ओम राउत, अब लिखो किसने मालूम, और वो राइटर है ना मनोज मुंतशिर, बाकी तो फटे में आएगा भैया शुक्ला लिखना शुरू कर दो, बता अब ऐसे लिख रहे हो चीजें काय के कर काय ऐसे, और कोई विषय नहीं है समाज में, अधजले रावणन से जब हम मिले ना, हाँ। तो अधजले रावणन ने हमसे पते क्या कही, क्या कह रहे थे, उनने कही कि तो तुमने अब की दारी दशहरा मेला में हमें खड़े करने की जगह मनोज मुंतशिर ओम राउत और सैफ अली खान जो भैरूपिया रावण तीनों खड़े कर देते, ये सही बात कर रहे हैं, पब्लिक को जुटती हैं और मजा वो आतो जरा पानी में भीग जाते तो जल जाते। अब मुझे समझ में नहीं आया, तो इतने पैसा खर्च करके ये ऐसी चीजें कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, काय काय जिन्हें का मजा मिल, तो कछु मजा ना मिलते भैया, एक इन लोगों ने अपनो टारगेट बनाए के रख लो कैसे हो जाए, हिंदू धर्म की बेइज्जती कर दो, हिंदू धर्म को कतई मट्टी पलीत करके रख दो है चक्कच, पता रावण हमारो कितनो ज्ञानी आदमी है तो है बने, तुम्हें मालूम भैया अंतिम समय में लक्ष्मण जी को राम भगवान ने शिक्षा दी थी, शिक्षा ले लो, राम भगवान ने बोले शिक्षा लो रावण से विद्वान आदमी है, बाय मजाक बना के रख दो, नहीं हमारे देश में भी भूल गए कि भैया सब बर्दाश्त होएगी, ज्ञानी आदमी की बेइज्जती बर्दाश्त ना कर पाऊंगा। अब मैं बता रहा हूँ जिनके बुरे दिन आ गए, ए भैया हनुमान जी को दिखा दो बताओ ऐसे अच्छे, अब हनुमान जी को गुस्सा झेल, हम हनुमान जी के बारे में जानता हूँ जी
है हनुमान जी ने खेल खेल में सूरज निकल लो तो फल समझ के दो छोटा दे दे जमीन इन्हें तो एक सांस में निकल जाएंगे वे उनको गुस्सा उनको गुस्सा ना देखो भैया लंका जलाई डाली होती है बहुत ही दिमाग खराब करे वाली ऐसी काम हो रहे हैं बॉलीवुड में तो बहुत दिमाग हो नहीं अब जैसे लंका जली होती ना भैया लंका दहन है जे अब बॉलीवुड को दहन होगा हम जब बता दे रहे जिन्हें समझ में नहीं आ रही है ये वो आजकल साउथ को सिनेमा ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहे हैं अब वो साउथ प्रभा से कासू जी भैया वो साउथ की इतनी अच्छी अच्छी फिल्में छोड़ के यहाँ वो उमर राउत के चलो वे अपने कर्मन से मरेंगे छोड़ो अब तो अपन भैया मनोज मुंतशिर ने शुक्ला लिखना शुरू कर दो डर के मारे वही तो कह रहा हूँ अब सीता माता कहाँ से बनाए दे भैया वो कृति सेना ने सीता माता बना दी सीता माता भैया हमारी कितनी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी होती है उनके आदव दे जाती आज रामायण देख लो पुरानी उठा की इच्छा होते आदमी की बेजा ने कौन सी ड्रेस डिजाइनर करी आई है कंधा दिख रहा होने को है क्या मर्यादा छोड़ो ये फालतू बातें अब तो हमारा दिमाग खराब हो रहा है भैया हम तो भैया अपने दर्शकन से जयी कहेंगे बायकॉट करो भैया ऐसी फिल्मन को चलो चाय पियो तुम तो आए दिन बेचारे हिंदुओं की बेइज्जती करते हैं हमारा तो टाइम हम बोल बजा रहे हैं डिबेट देख भी चलो चलें जाएं हाँ ठीक है भैया नमस्ते आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।